निर्देशक गौरी शिंदे ने इंग्लिश विंग्लिश बनाकर चौंका दिया था। उनकी फिल्म लीक से हटकर थी और सफल भी रही थी। गौरी शिंदे की दूसरी फिल्म डियर जिंदगी में उन्होंने जिंदगी के मायने समझाने की कोशिश की है। खूब सारा ज्ञान दिया गया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा है कि यह भारी न हो जाए। कियारा नामक लड़की के जरिए बात कही गई है। वह कैमरा वुमेन है, अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन अवसर नहीं मिल रहे हैं। अपनी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज है, माता पिता से उसकी बनती नहीं है। अपनी जिंदगी को उसने उलझा रखा है। समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी उसने बना रखी है। सिर्फ दोस्तों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है। उसकी मुलाकात दिमाग के डॉक्टर जहांगीर खान उर्फ जक्स से होती है। जक्स से लगातार मुलाकात उसका जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदल देती है। गौरी शिंदे ने फिल्म को लिखा भी है। उन्होंने जो विषय चुना है उस पर लिखना आसान है और फिल्म बनाना बहुत कठिन है, लेकिन वे एक ऐसी फिल्म बनाने में सफल रही हैं जो देखी जा सकती है। I just wanna be free. मैं आजाद होना चाहती हूँ सबसे। या या, मैं भी चाहता हूँ तुम आजाद हो जाओ। जो बात वे कहना चाहती थी उन्होंने किरदारों के जरिए व्यक्त की है। अब ये दर्शक पर निर्भर करता है कि वह कितना समझता है। अक्सर कियारा की उम्र के लड़के या लड़की इस स्थिति से गुजरते हैं। माता पिता और वे आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। प्यार के मायने उन्हें पता नहीं रहते। करियर में कम समय में बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं। जब चीजें उनके मन के अनुरूप नहीं होती तो वे दुखी हो जाते हैं, और ऐसे समय उन्हें जक्स जैसे गाइड की जरूरत पड़ती है जो उन्हें समझाए और जीवन के मायने बताए। फिल्म के जरिए इन सारी बातों को दर्शाया गया है। Sorry. प्यार में अंधे हो गए हो क्या? Am I invisible? We said sorry. Oh, you're so cute, you're so sweet. You're the same rubbish, बकवास. It's irritating. फिल्म को खास बनाते हैं कियारा और जक्स के किरदार। कियारा जहां कंफ्यूज और कम उम्र की है तो जक्स स्पष्ट और परिपक्व है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के पूरक लगते हैं। फिल्म में उनकी बातचीत सुनने लायक है और कुछ बेहतरीन संवाद सुनने को मिलते हैं। कमरे में समुन्द्र किनारे और साइकिलिंग करते हुए जक्स कियारा से बातचीत करता है, जिसके आधार पर कियारा को पता लगता है कि वह कहाँ गलत है। रोना, गुस्सा, नफरत कुछ भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करने दिया, अब प्यार कैसे एक्सप्रेस करें। जिंदगी की तरह यह फिल्म भी परफेक्ट नहीं है। कुछ खामियां उभर कर आती है। मसलन कियारा ऐसी क्यों है, इसका कारण ये बताया गया है कि बचपन में उसे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता। हालांकि पेरेंट्स की कोई खास गलती नजर नहीं आती, इससे ड्रामा कमजोर होता है। दूसरी शिकायत फिल्म की लंबाई को लेकर होती है। चूंकि कहानी में उतार चढ़ाव कम और बातचीत ज्यादा है, इसलिए फिल्म कहीं कहीं ठहरी हुई लगती है। अली जफर का किरदार महत्वहीन है और इसका ठीक से विस्तार नहीं किया गया है। निर्देशक के रूप में गौरी शिंदे ने विषय भारी होने के बावजूद फिल्म का मूड हल्का रखा है। गोवा की खूबसूरती, शाहरुख आलिया की केमिस्ट्री और संवाद फिल्म को ताजगी देते हैं। छोटे छोटे दृश्यों से उन्होंने बड़ी बात कहने की कोशिश की है। कलाकारों का अभिनय फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। आलिया भट्ट के करियर का यह सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। एक ही फिल्म में उन्हें कई रंग दिखाने के अवसर मिले और हर भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ कर व्यक्त किया है। और अगर रिपेयर नहीं होते तो रिसाइकिल कर दो। साइकिल को रिसाइकिल। सुपरस्टार का चोला उतारकर एक सामान्य रोल में शाहरुख खान को देखना सुखद है। अपने चार्म से उन्होंने जागीर खान की भूमिका को बहुत आकर्षक बना दिया है। अपनी बोलती आँखें और संवाद अदायगी से उन्होंने अपने अभिनय को गहराई दी है। अन्य कलाकारों का योगदान भी अच्छा है। डियर जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जिंदगी के प्रति सकारात्मक और आशावादी होने की बात कहती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।